बार की बात है, शहर से दूर एक छोटा सा गांव था काशीपुर नाम का। उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक समस्या थी, गांव के आसपास कोई भी कुआं या तालाब नहीं था और वहां के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बारिश होती थी तब खेतों की सिंचाई होती थी। इस गांव में एक किसान श्यामू अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत मेहनती था। वह रोजाना खेतों में जाता और मेहनत से काम करता था, इसलिए उसकी फसल सभी किसानों से सबसे ज्यादा अच्छी होती थी। कमला, मेरा खाना बांध दो, मैं खेत में ही बैठकर खा लूंगा। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांधा हुआ है, लीजिए। ठीक है कमला, तो मैं चलता हूँ। श्यामू खाना लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। खेतों में पहुंचकर वह थोड़ा काम करता है और थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ा आराम करता है। श्यामू की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस साल गांव में बारिश नहीं हुई है और सभी किसानों के खेत सूखे पड़े हैं और सभी किसान परेशान हैं। श्यामू की एकदम से आंख खुल जाती है। हे भगवान, यह कैसा सपना था! इस साल बारिश नहीं होगी, हमारे खेत तो सूखे पड़े रहेंगे, हम लोग तो भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है! नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, यह बस एक महज सपना है। श्यामू खेत का काम खत्म कर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ किसान भाई बात करते हुए दिखते हैं। इस साल भी वर्षा नहीं होगी, कल मैंने मुखिया जी के घर टीवी में देखा, कुछ गांव हैं जिनमें इस साल वर्षा नहीं होगी, उनमें हमारा गांव भी शामिल है। राजू भाई, कैसी बात कर रहे हो, हम क्या करेंगे वर्षा नहीं हुई तो? भाई, हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकता है वो तो भगवान ही करेगा। अगर वर्षा नहीं हुई तो किसानों की खेत की सिंचाई नहीं होगी, खेत सूखे पड़े रहेंगे और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या करें भाई, हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं भी तो नहीं है जिससे हम खेतों की सिंचाई कर सकें। इस साल भी बहुत किसान इस मजबूरी से अपनी जान दे देंगे। हे प्रभु, तो मेरा सपना सच था, इस साल वर्षा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, फसल ही तो हमारा एकमात्र रास्ता है हमारे घर की आजीविका चलाने के लिए, अगर वह नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। श्यामू सोचता सोचता घर वापस आता है। आ गए आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। जी क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? कमला, इस साल हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। ये तो बहुत दुख की बात है, वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं उग पाएगी, एक फसल ही तो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? जी आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, आप लीजिए खाना खा लीजिए। श्यामू का सारा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं, लेकिन श्यामू को वर्षा की बात सोचकर नींद नहीं आ रही थी। वर्षा नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को कमला को क्या खिलाऊंगा, यह बहुत बड़ी विपदा है प्रभु, मुझे इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। श्यामू को गांव के लोगों की बात याद आती है। और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्या करें भाई, हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं भी तो नहीं है जिससे हम खेतों की सिंचाई कर सकें। और श्यामू को एक तरकीब सूझती है। हाँ, यह सही रहेगा, मुझे गांव के कुछ किसानों की जरूरत पड़ेगी और हमें सरपंच जी से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं कल सुबह उठकर सभी किसान भाइयों से बात करके सरपंच जी के पास जाऊंगा। श्यामू सुबह उठकर गांव के कुछ किसानों के पास जाता है और उनसे वर्षा के समाधान की बात करता है। भाइयों, इस साल भी वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं होगी, फसल नहीं हुई तो हमारा सारा परिवार भूख से ही तड़प जाएगा। हाँ भाई, इस साल हमें बहुत बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो बारिश का पानी उस कुएं या तालाब में जमा कर पाते हम लोग, और बारिश ना होने पर उसका इस्तेमाल कर पाते। तो मैंने सोचा है, अगर
हम अपने गांव में एक कुएं की संरचना कर लें तो सभी किसान भाइयों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हमें सरपंच जी से बात करनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, यह तो काफी अच्छा विचार है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें बारिश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे परिवारों को भी पानी भरने में कोई समस्या नहीं होगी। सभी लोग एक साथ सरपंच जी के यहाँ जाते हैं और श्यामू अपना विचार सरपंच जी के आगे रखता है। तुम ठीक कहते हो श्यामू, यह बहुत अच्छा विचार है। इस साल भी वर्षा नहीं होगी तो सभी किसान काफी हताश हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो किसी भी किसान का बारिश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सभी लोग कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई कर पाएंगे। कुएं की संरचना बहुत अच्छा विचार है। तुम लोग आज से ही गांव में कुआं खोद सकते हो। मेरे घर के पीछे एक जमीन खाली है, वहां पर आप लोग कुआं खोद सकते हो। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और थोड़ी देर बाद ही सारे किसान कुएं की खुदाई में लग जाते हैं। सभी लोग अपनी पूरी मेहनत से कुआं खोदते हैं। कुछ दिनों तक कुआं खोदने के बाद आखिर में कुएं में पानी नजर आ जाता है। सभी लोग यह देखकर काफी खुश होते हैं और सभी किसान जाकर सरपंच जी को बताते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आप सभी किसान भाई बारी बारी कुएं से पानी लेकर अपने खेत की सिंचाई कर सकेंगे और अब किसी भी व्यक्ति को दूसरे गांव जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब इसी से पानी भर लिया करेंगे। इस तरह कुएं के पानी से सभी किसान बारी बारी अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और वर्षा न होने पर भी काशीपुर गांव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ महीनों में सभी किसानों की बहुत अच्छी फसल उग जाती है और गांव की सारी औरतें अपने गांव के कुएं से ही पानी भर भर के ले जाने लगती हैं। सभी गांव वाले कुएं और श्यामू के सुझाव से बहुत खुश होते हैं। इसी तरह काशीपुर गांव में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी थी।